Assalamu alaikum, students. Today we are going to discuss about the nuclear program of Pakistan, safety, security and international concerns in Pakistan affairs studies. Pakistan ka humne nuclear program study karna hai. Nuclear program iska initiative kis tarike se diya gaya, safety precautions kya liye gaye, security purposes kya iske measures kiye gaye, iske alawa international concerns kya kya the jiski wajah se इस चीज़ की जरूरत पेश आई कि पाकिस्तान का भी एक न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो होना चाहिए. जो तमाम सिनेरियोज हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के वो हम आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर हम ओवरव्यू लें न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान का, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्चुअली में इस्टेब्लिश हुआ था ऑलमोस्ट 1950s में. ठीक है जी. अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो डेवलप करनी है फॉर ओनली फॉर पीसफुल पर्पजेज. ठीक है जी. मेन मोटिव इसका यही था कि पीसफुल पर्पज होना चाहिए, नॉट लाइक द हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हो चुके हैं प्रीवियस हिस्ट्री में, उस तरह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस्टेब्लिश करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि सिर्फ अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए. ठीक है जी. इंटरनेशनल कंसर्न्स को लेते हुए सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पज, ओनली पीसफुल पर्पज के लिए. और इसका जो मेन फोकस था वो तकरीबन 1970s में शिफ्ट हो गया, और इसमें जो रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स थे या इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट हुआ, तो इसकी वजह से ये सारा मोटिव जो है वो पीसफुल पर्पस के साथ साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स और इंटरनेशनल कंसर्न्स की तरफ भी जो मूव कर गया. इनिशियली पाकिस्तान का जो मकसद जो है वो इसको ओनली पीसफुल पर्पसेस न्यूक्लियर एनर्जी के लिए डेवलप करने के लिए था. ठीक है जी. अब पाकिस्तान का अगर हम यहाँ पे देखें, पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इट्स डिफेंस पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी. ठीक है जी. जो मेन मोटिव था पाकिस्तान का डिफेंस पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए था, इसकी डेवलपमेंट जो लेट 20th सेंचुरी में हुई, यानी कि ऑलमोस्ट 1950s में, इट हैज गार्नर्ड सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल अटेंशन, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस विद ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स. ठीक है जी. इसने काफी ज्यादा पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दी उसके सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो कंप्लायंसेस थे ग्लोबल सिनेरियोस के, वो तमाम काफी ज्यादा इसमें पाकिस्तान को एक कंप्लायंस मिल गया. ठीक है जी. अब ये सारा ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करेगा आपका, इसमें हमने जो स्टडी करना है न्यूक्लियर प्रोग्राम को, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया और किस तरीके से इसमें फर्दर डेवलपमेंट हुई, क्या वीपन्स वगैरह में इनिशिएटिव लिए गए, वो तमाम यहाँ पे स्टडी करेंगे. इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फर्स्ट, सबसे पहले इनिशियल डेवलपमेंट है. ठीक है जी. पाकिस्तान बिगेन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इन द 1970s अंडर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो इन रिस्पॉन्स टू इंडिया न्यूक्लियर एम्बिशंस. ठीक है जी. 1950s में इसको इस्टेब्लिश किया गया था ओनली फॉर पीसफुल पर्पजेस. ठीक है जी. इसका बताया 1950s में इसको इस्टेब्लिश किया गया इस प्रोग्राम को ओनली फॉर पीसफुल पर्पजेस, बट आफ्टर इंडिया न्यूक्लियर एम्बिशंस. ठीक है जी. इंडिया ने जब अपने एक स्टार्ट किए तो जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पर इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है वो टोटली कम्प्लीटली बिगेन कर दिया गया, और जो एक रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न थे वो राज्य, और 1970s में अंडर मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की दौर में जो है इसको, इसका फोकस जो है वो सारा का सारा न्यूक्लियर वीपन्स बनाने की तरफ चला गया. ठीक है जी. फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, पहला जो तजुर्बा हुआ, पाकिस्तान कंडक्टेड इज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑन May 28, 1990. पहला धमाका चागी के मकाम पर जो किया गया. ठीक है जी. इन रिस्पॉन्स टू इंडिया टेस्ट अर्लियर दैट ईयर ऑफिशियली बिकमिंग अ न्यूक्लियर आर्म स्टेट. ठीक है जी. अब पाकिस्तान ने, इंडिया ने सेम ईयर में अपना टेस्ट किया था न्यूक्लियर, और जो है वो न्यूक्लियर आर्म स्टेट कहलाई थी. इस वजह से क्या किया कि पाकिस्तान ने भी जो अपना May 28, 1998 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, और ऑफिशियली जो है वो न्यूक्लियर आर्म स्टेट बन गया. स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए, द न्यूक्लियर प्रोग्राम इज सीन एज ए की कंपोनेंट ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी. की कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है, इंश्योरिंग डेटरेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स पर्टिकुलरली फ्रॉम इंडिया. मेन थ्रेट जो पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से ही था, तो इसलिए जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो काफी एक की कंपोनेंट देखा जाता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के लिए. पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को अगर हम देखें, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन मीन्स कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की अगर बात की जा रही है, तो ये किसी कंट्री की एक ऑफिशियल पॉलिसी या गाइडलाइंस है कि वो उन्होंने अपने किस तरीके से इसकी डेवलपमेंट करनी है, इसकी डिप्लॉयमेंट किस तरह करना है, अपने इस न्यूक्लियर वेपन को यूज किस तरीके से करना है. तो ये सब चीजें वो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में आती है. पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है, इनके क्या क्या सिनेरियोस थे, क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से उन्होंने डेवलप किया, जैसे इनिशियली पीसफुल पर्पजेस के लिए था, बट लेटर जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ फोकस किया. तो ये तमाम जो पॉलिसी है किसी भी कंट्री की, अपनी ऑफिशियल पॉलिसी या गाइडलाइंस, वो जो है वो न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन कहलाती है. अब सबसे पहले मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस,
ठीक है जी, सबसे पहली जो एक पॉलिसी ऑफ डेटरेंस है कि किस तरीके से इसकी रोकथाम वगैरह करनी है, पाकिस्तान एडहेयर्स टू अ पॉलिसी ऑफ मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस एंश्योरिंग इट मींस मेंटेन्स अ न्यूक्लियर आर्सेनल सफिशिएंट टू डेटर एग्रेशन बट विदाउट एंगेजिंग इन एन आर्म्ड रेस। सेकेंड पॉलिसी जो पाकिस्तान की है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, मीन्स अनलाइक इंडिया पाकिस्तान जो है वो ने ये डिक्लेयर्ड नहीं किया कि भाई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कि हम पहले इस चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, कीपिंग इट्स न्यूक्लियर ऑप्शंस ओपन टू काउंटर एनी कन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट। ठीक है जी, अब पाकिस्तान ने इस चीज को बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं किया कि हम ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसने अपने इस ऑप्शन को ओपन रखना है कि अगर कोई भी मिलिट्री थ्रेट उन्हें मिलता है इस किस्म का, तो अगर चाहे तो ये कंट्री अपनी सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए अपने वेपन्स को यूज भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान इज एक्चुअली फॉलोइंग द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। स्ट्रेटेजिक एसेट्स की अगर बात की जाए, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, पाकिस्तान एस्टिमेटेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 160 टू 165 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, मेकिंग इट ऑन द टॉप ऑफ 10 न्यूक्लियर पावर्स ग्लोबली। अब पाकिस्तान के पास ऑलमोस्ट 160 से 165 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो कि इसे टॉप 10 न्यूक्लियर पावर्स में ग्लोबली इंक्लूड कर देता है। ठीक है जी, इसके साथ साथ डिलीवरी सिस्टम पाकिस्तान का किस तरीके से है कि इसकी जो रेंज है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स की, वो कैपेबल है डिलीवरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स इंक्लूडिंग द शाहीन एंड कॉरी मिसाइल सीरीज। ठीक है जी, अब ये सीरीज जो है वो इनकी कंप्लीट जो एक रेंज है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स की, वो काफी ज्यादा कैपेबल है कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिलीवर कर सकते हैं, वो न्यूक्लियर अटैक जो बहुत इजीली कर सकता है। मीन्स के पाकिस्तान के पास जो इस वक्त सिस्टम्स हैं वो इस तरीके के हैं कि उन्हें बहुत इजीली न्यूक्लियर वॉरहेड्स को जो है वो अपने मिसाइल्स को जो है वो ब्लास्ट बहुत इजीली कर सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट वी हैव टैक्टाइल न्यूक्लियर वेपन्स। टैक्टाइल न्यूक्लियर वेपन्स में पाकिस्तान हैज ऑल्सो डेवलप टैक्टाइल न्यूक्लियर वेपन्स TNWs डिजाइंड फॉर बैटलफील्ड यूज इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन। ये जो टैक्टाइल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं TNWs, ये एक्चुअली बैटल फील्ड में ही यूज करने के लिए वेपन्स तैयार किए जाते हैं, जिनकी रेंज एक लिमिटेड रेंज होती है। बैटल फील्ड में यूज करने के लिए वो वेपन्स होते हैं जो कि पाकिस्तान ने इन्हें डेवलप किया। ठीक है जी, इन रिस्पॉन्स टू इंडिया कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन, क्योंकि इंडिया का जो एक स्टार्ट हुआ था एक सिचुएशन कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन की, तो इसके नतीजे में जिसमें मतलब इंडिया का मोटिव ये था कि जस्ट हिट हार्ड हिट फास्ट एंड जस्ट गेट आउट। ठीक है जी, मतलब कि बस हमने फॉरन टू फॉरन कोई भी अगर कोई इस किस्म की सीनरी हो रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो जस्ट वी हैव टू स्टार्ट द वॉर, फॉरन टू फॉरन जो है वो अटैक करना है, जस्ट हिट हार्ड और बहुत ही एक मैसिव किस्म का उनके ऊपर अटैक करना है और जस्ट गेट आउट फ्रॉम द सीन। ये इंडिया की एक स्ट्रेटेजी थी। ठीक है जी, मींस की क्विकली अटैक करना है पाकिस्तान को। इसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने फिर कुछ न्यूक्लियर वेपन्स टैक्टाइल न्यूक्लियर वेपन्स किए, जिनकी एक रेंज लिमिटेड है, मींस के उन्हें दिखाने के लिए कि आप आगे से इस कंट्री को भी कम नहीं समझे, वो आपके ऊपर अगेन जवाबी कार्रवाई अगर आप इस तरह से बहुत ही क्विकली अटैक करने की सिचुएशन में आ रहे हैं, तो आगे से रिस्पॉन्स में आप पर भी वही क्विक अटैक जो है वो किया जा सकता है। तो इसके इंडिया के ये जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन था, इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने टैक्टाइल न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो अपने डेवलप किए। न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स को अगर हम देखें, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA, इसका जो कमांड स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स आर कंट्रोल्ड बाय द नेशनल कमांड अथॉरिटी NCA जो है वो उसको सारा कंट्रोल करती है। एस्टैब्लिश हुई थी 2000 में टू इंश्योर सेंट्रलाइज्ड एंड इफेक्टिव कमांड एंड कंट्रोल ओवर द न्यूक्लियर आर्सेनल, के न्यूक्लियर आर्सेनल जो है उसकी किस तरीके से हिफाजत करनी है, वहां पे क्या कमांड और कंट्रोल रहना है, इन तमाम चीजों को जो है ये NCA जो सुपरवाइज या कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड डिविजन्स SPD, द SPD अंडर द NCA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी सेफ्टी एंड ऑपरेशनल रेडीनेस। ठीक है जी, ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी सिक्योरिटी किस तरीके से होनी है, उनकी सेफ्टी कैसे होनी है, उनकी ऑपरेशनल रेडीनेस किस तरीके से है, एट द टाइम ऑफ अटैक वो रेडी हैं भी या नहीं है, जिस तरीके से ये टैक्टाइल वेपन्स की बात की, तो ये तमाम चीजें जो है वो SPD के अंडर होती हैं। SPD इनको रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए अंडर द NCA। फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स को अब हम देखेंगे, फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है। पाकिस्तान हैज इंप्लीमेंटेड मल्टी टाइप सिक्योरिटी सिस्टम एट इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग आर्म पर्सनल, ठीक है जी, फिजिकल बैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस।
पाकिस्तान ने जो है वो अपने मल्टी डायट सिक्योरिटी सिस्टम न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, जिसमें आर्म पर्सनल भी हैं, ठीक है जी, जो आर्म फोर्सेज हैं वो फिजिकली वहाँ मौजूद है, फिजिकल बैरियर्स मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है वो भी मौजूद है इन तमाम चीजों को अपनी सिक्योरिटी को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। पर्सनल रिलायबिलिटी प्रोग्राम पीआरपी, पाकिस्तान मेंटेन्स स्ट्रिक्ट वेटिंग प्रोसीजर्स थ्रू द पीआरपी टू एंश्योर दैट ओनली रिलायबल एंड ट्रस्टवर्थी इंडिविजुअल्स हैव एक्सेस टू सेंसिटिव न्यूक्लियर मटीरियल्स एंड फैसिलिटीज। इस चीज को बहुत ज्यादा इंश्योर किया गया है कि जितना भी जो सेंसिटिव न्यूक्लियर मटेरियल है वो सिर्फ ट्रस्टवर्थी इंडिविजुअल्स तक शेयर हो, उसके अलावा इसकी ये तमाम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो किसी के पास इसके जो है वो नहीं जाने चाहिए, ठीक है जी। और ये सारा प्रोसेस जो है वो पीआरपी संभालती है, पर्सनल रिलायबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू इस चीज को मेंटेन किया जाता है। इंटरनेशनल एंगेजमेंट ऑन सेफ्टी की अगर बात करें तो एंगेजमेंट विद आईएई, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ किस तरीके का कॉपरेशन है, इसमें पाकिस्तान की इनके साथ जो एंगेजमेंट है वो कैसी है। ऑल्दो पाकिस्तान इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है जी, एक ट्रीटी है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की एनपीटी, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, लेकिन आईएई के साथ पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है टू एंश्योर दैट इट्स सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज मीट इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ताकि जो यहाँ के सिविलियंस हैं वो जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसकी फैसिलिटीज के साथ वो कोप अप कर सकें, ठीक है जी। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स, डिफरेंट समिट्स कुछ पाकिस्तान जो है उसमें पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान हैज पार्टिसिपेटेड इन वेरियस न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स टू हाईलाइट इट्स कमिटमेंट टू सिक्योरिंग न्यूक्लियर मटीरियल एंड प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर टेररिज्म, ठीक है। अब ये जो कंट्रीज हैं जिनके पास ये न्यूक्लियर पावर्स मौजूद हैं, ठीक है, तो इनके ये कुछ कमिटमेंट्स इनके लाजमी है कि न्यूक्लियर जो है वो कोई बच्चों का खेल नहीं है, जस्ट कोई पिस्टल्स गन नहीं है कि बस किसी भी कंट्री के पास हो वो आराम से यूज करना शुरू कर दे, या नॉर्मल मिसाइल्स वगैरह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही तबाही मचाने वाला एक मटीरियल है न्यूक्लियर न्यूक्लियर बॉम्बिंग या इस किस्म का अगर न्यूक्लियर टेररिज्म हो जाए, तो ये एक कमिटमेंट हर कंट्री के लिए बहुत ज्यादा लाजमी है कि वो इस कमिटमेंट का हिस्सा बने और अपने जो न्यूक्लियर मटीरियल है उनको सिक्योर रखे, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सेव रखे और जो न्यूक्लियर टेररिज्म है उसे प्रिवेंट करें और इंतहाई मतलब कि बिल्कुल एंड डिसीजन भी न्यूक्लियर अटैक जो है वो नहीं हो किसी भी कंट्री का, इस चीज के ऊपर जो मेन फोकस है। इंटरनेशनल कंसर्न्स रिगार्डिंग पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के से रिलेटेड जो इंटरनेशनल कंसर्न्स हैं वो कौन कौन से हैं, प्रोलिफरेशन रिस्क है, प्रोलिफरेशन रिस्क में अगर जो प्रोलिफरेशन रिस्क वो आ जाते हैं जो एक क्योंकि एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अगर इसकी जो किस तरीके से इसको एस्टैब्लिश किया गया है, इसके तमाम जो एक समझ लीजिए आपके जो आप ये कह सकते हैं कि सेंसिटिव मालूमात जो हैं वो किसी और जगह ना पहुंच सके, प्रोलिफरेशन रिस्क में वो तमाम चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें ए क्यू खान नेटवर्क की सबसे पहले बात हो रही है, द एक्टिविटीज ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हु वॉज इन्वॉल्व इन द इलिसिट ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू कंट्रीज लाइक ईरान, लीबिया एंड नॉर्थ कोरिया, रेज कंसर्न अबाउट पाकिस्तान रोल इन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। इसमें ये सिचुएशन है, जो कंसर्न है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड भी ये है कि जिसने ए क्यू खान के ऊपर, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऊपर एक एलिगेशन लगी, ही वॉज अक्यूज ऑफ इन्वॉल्विंग इन द इलिसिट ट्रांसफर और स्मगलिंग ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू कंट्रीज लाइक ईरान, लीबिया एंड नॉर्थ कोरिया, के उन्होंने जो है वो ये फॉर्मूला जो है वो शेयर किए थे, तो इस चीज ने काफी ज्यादा कंसर्न रेज कर दिया अबाउट पाकिस्तान के रोल के ऊपर कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हुई है। पोस्ट प्रोलिफरेशन मेजर्स, सिंस द एक्यू खान एपिसोड पाकिस्तान हैज टेक सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू टाइटन इट्स एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एंड प्रिवेंट एनी फर्दर प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान ने जो है वो इस चीज के ऊपर सिग्निफिकेंट स्टेप लिए कि उसकी जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइटन अप कर दिए, ताकि अब आगे फर्दर इसका जो प्रोलिफरेशन है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की वो आगे दोबारा से मुमकिन ना हो सके। न्यूक्लियर सिक्योरिटी कंसर्न्स को अगर देखें, टेररिस्ट्स there have been concern about the potential for Pakistan's nuclear materials to fall into the hands of non-state actors, particularly given the presence of extremist groups within the country. ठीक है जी, अब पाकिस्तान के काफी concerns हैं जो न्यूक्लियर मटीरियल्स को लेते हुए कि इसके जो न्यूक्लियर जो मटीरियल्स हैं वो कोई नॉन स्टेट एक्टर्स के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स वगैरह प्रेजेंट है कंट्री में उनके हाथ ना लग जाए, ठीक है जी, ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। सेकंड कंसर्न इज इंटरनेशनल रीअश्योरेंस, पाकिस्तान हैज कंसिस्टेंटली अश्योर द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट इट्स न्यूक्लियर एसेट्स आर सेफ एंड सिक्योर,
with robust security measures in place to prevent unauthorized access or threat. Pakistan ne kaafi baar ye cheez assure karayi hai ki iske jo nuclear assets hain wo safe aur secure hain aur kisi bhi kisam ke jo security robots jo hai wo yahan pe exist nahi kar rahe hain aur ye internationally baar baar Pakistan ko is cheez ko reassure jo karwana pad raha hai, theek hai, aur karwana padta hai aage tamam countries ko. Arms race with India. India Pakistan rivalry. The ongoing rivalry between Pakistan and India has led to concerns about potential nuclear arms race in South Asia. Pakistan aur India dono ke darmiyan mein jo ek rivalry hai aur phir dono ek potential nuclear arms race ki taraf included hai. Pakistan bhi ek jo hai wo nuclear nation hai aur jabki dusri taraf India ke paas bhi nuclear weapons maujood hain. To dono countries jo hain अपने एसनल्स को अपने जो उनके असासे हैं न्यूक्लियर उनको काफी ज्यादा मॉडर्नाइज करने रेजिंग फेस टू इंस्टेबिलिटी इन द रीजन और इसकी वजह से जो एक इंस्टेबिलिटी का एक खतरा है कि फ्यूचर में एक जो है वो गहमा गहमी हो सकती है वो काफी ज्यादा ये इसके फेयर्स को जो है ये दोनों कंट्रीज इंक्रीज कर रहे हैं. स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इनिशिएटिव की अगर हम बात करें वेरियस इंटरनेशनल पावर्स इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना हैव कॉल्ड फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर सीबीएम्स एंड आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू प्रिवेंट एस्केलेशन. दोनों ने बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी शो की स्पेशली यूएस और चाइना ने. कुछ सीबीएम्स जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं कि दोनों कंट्रीज ने जो है वो आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट्स को साइन किया है इंडिया पाकिस्तान ने कि वो ये न्यूक्लियर वेपन्स को एस्केलेट जो है वो नहीं करेंगे और इसकी प्रिवेंशन करेंगे. ठीक है जी. नॉन सिग्नेटरी टू एनपीटी. पाकिस्तान पोजीशन. पाकिस्तान हैज रिफ्यूज टू साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. एनपीटी को साइन करने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था आर्गुइंग दैट द ट्रीटी डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स एंड डजंट एड्रेस रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स. तो ये था कि ये जो है जो ये ट्रीटी है ये डिस्क्रिमिनेशन जो रीजनल जो डिफरेंट प्रोलिफरेशन है इसके लिए ये एनपीटी को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया. इसका एम जो था वो क्या था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या इनकी जो डिसआर्ममेंट है उसे प्रमोट करना है. ठीक है जी. लेकिन अब इसने पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर साइन करने से इनकार कर दिया बिकॉज ऑफ द रीजन और बीइंग दैट ट्रीटी डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स. ठीक है जी. एंड डजंट एड्रेस रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स कि इससे जो रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं क्योंकि एनपीटी का जो मेन मोटिव आ जाता है वो डिसआर्ममेंट का आ जाता है. ठीक है जी. डिसआर्ममेंट का मैं ये है कि पाकिस्तान अपने वेपन्स को यूज नहीं कर रहा तमाम चीजें लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए पाकिस्तान इस चीज को साइन नहीं कर सकते क्योंकि उसको रीजनल थ्रेट्स सिक्योरिटी थ्रेट जो बहुत ज्यादा है. तो इन कंसर्न्स को देखते हुए पाकिस्तान ने जो एनपीटी है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एनपीटी इसको साइन करने से इनकार कर दिया था. फिजल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी. FMCT Pakistan has opposed the FMCT which aims to prohibit the production of fissile material for nuclear weapons citing concern that it will compromise its national security by favoring India's existing stockpile. India ke stockpile ko agar dekha jaye to usko dekhte hue Pakistan ne FMCT ko bhi sign karne se inkar kar diya. Concern wahi the same as NPT ke ki Pakistan agar in cheezon ko apne weapons ko upgrade nahi karega nahi banayega to uska jo most rival jo hai India उनका जितना स्टॉक पाइल है तो ये चीजें पाकिस्तान की जो सालमियत है उसकी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकती है. पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. पाकिस्तान इन एफएमसीटी और एनपीटी को इधर पाकिस्तान ने साइन करने से इनकार किया लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान एक पीसफुल सिनेरियो को लेकर चल रहा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के. सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी. पाकिस्तान सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इज फोकस्ड ऑन मीटिंग इट्स एनर्जी नीड्स पर्टिकुलरली इन द फेस ऑफ एनर्जी शॉर्टेजेस एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी. पाकिस्तान अपने जो डोमेस्टिक उसके इश्यूज हैं ये इनमें यूटिलाइज कर रहा है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स. तो इनकी तरफ इसका फोकस है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के थ्रू जो एनर्जी नीड्स हैं जैसे कि एनर्जी शॉर्टेजेस हो गए इलेक्ट्रिसिटी ग्रोइंग डिमांड्स हैं इनको कवर किया जा सके. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. ठीक है जी. पाकिस्तान ऑपरेट सेवरल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंक्लूडिंग कनूप एंड चश्मा. ठीक है जी. ये दो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पाकिस्तान के विच कंट्रीब्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन प्ले कर रहे हैं अपना रोल प्ले कर रहे हैं. इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑन न्यूक्लियर एनर्जी देखा जाए तो चाइना पाकिस्तान कॉपरेशन है. चाइना हैज बीन अ की पार्टनर. पाकिस्तान सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की पार्टनर रहा प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट. जो एडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन में और असिस्टेंस में फाइनेंशियल सपोर्ट में चाइना ने पाकिस्तान का बहुत ज्यादा साथ दिया. IAEA सेफ गार्ड्स को अगर देखें पाकिस्तान से ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर अंडर IAEA सेफ गार्ड्स एंश्योरिंग दैट दे आर यूज्ड सोलली फॉर पीसफुल पर्पसेस एंड डोंट कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज वेपन प्रोग्राम. ठीक है जी.
अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये एंश्योर क्या कर रहे हैं कि सोलरली जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं वो कम्प्लीटली सोलरली कहाँ पे यूज हो, सिर्फ पीसफुल पर्पजेस के लिए और कंट्री के वीपन प्रोग्राम वगैरह की तरफ इन चीजों को यूज ना किया जाए। फ्यूचर चैलेंज फॉर पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, अगर फ्यूचर चैलेंजेस की अगर देखा जाए, मैनेजिंग न्यूक्लियर डेटरेंस, ठीक है जी, जो न्यूक्लियर डेटरेंस है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, किस तरीके से इसका जो न्यूक्लियर डेटरेंस है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है जी। इसमें इवॉल्विंग स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट है, पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन मस्ट अडैप्ट इवॉल्विंग रीजनल ग्लोबल सिक्योरिटी डायनेमिक्स इंक्लूडिंग इंडियाज मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरसोनिक वेपन्स। पाकिस्तान की जो इवॉल्विंग स्ट्रेटेजीज है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, इसमें क्या है कि जो रीजनल ग्लोबल सिक्योरिटी डायनेमिक्स है उनको पाकिस्तान ने मस्ट अडॉप्ट करना है, जिसमें इंडिया की मॉडर्नाइजेशन है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह है, तो इसको लेते हुए पाकिस्तान ने जो है वो अपनी एनपीटी को फॉलो करते हुए इन चीजों को बिल्डअप करना है। मेंटेनेंस क्रेडिबल डेटरेंस, पाकिस्तान विल नीड टू कंटिन्यूअसली मॉडर्नाइज इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल टू मेंटेन अ क्रेडिबल डेटरेंस पोस्चर विदाउट इंगेजिंग इन एन अनसस्टेनेबल आर्म्स रेस। अपनी जो कंटिन्यूअसली पाकिस्तान ने मॉडर्नाइज करना है अपने आर्सेनल्स को, ठीक है जी, टू मेंटेन क्रेडिबल डेटरेंस पोस्चर विदाउट इंगेजिंग इन अनसस्टेनेबल आर्म्स रेस, के इस रेस में भी इंक्लूड नहीं होना है कि पाकिस्तान के पास जो है वो कोई वेपन्स या आर्म्स जो है वो बिल्कुल ना हो, लेकिन इसके साथ साथ जो डेटरेंस पोस्चर है वो भी अपना एक क्रेडिबिलिटी रखनी है कि अगर इनके ऊपर किसी किस्म का अटैक किया जा रहा है तो पाकिस्तान उसका रिस्पांस जो है वो आगे से दे सकता है। एड्रेसिंग इंटरनेशनल कंसर्न्स में ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स में पाकिस्तान विल फेस इंक्रीजिंग प्रेशर टू ज्वाइन ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स। पाकिस्तान ने जो एनपीटी और एफएमसीटी को अपने कंसर्न्स को लेते हुए साइन करने से इनकार किया, तो इसके लिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो ग्लोबल एफर्ट्स को जो है ज्वाइन करे। बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स विद इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशंस विल रिमेन अ चैलेंज, और अब इस चीज को अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी बैलेंस करना और जो इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशंस हैं इन दोनों के दरमियान में एक बैलेंस एक इक्वालिटी रखना भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इंप्रूविंग इंटरनेशनल परसेप्शंस, जो इंटरनेशनल परसेप्शंस है उनको किस तरीके से इंप्रूव करना है, पाकिस्तान मस्ट कंटिन्यू टू इंप्रूव इट्स इंटरनेशनल इमेज रिगार्डिंग न्यूक्लियर सिक्योरिटी बाय एंगेजिंग डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेटिंग विद ग्लोबल इनिशिएटिव्स ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी। पाकिस्तान को अपना जो इमेज है इंटरनेशनल इमेज अकॉर्डिंग रिगार्डिंग जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ठीक है, उसे डिप्लोमेटिकली और कोऑपरेट करते हुए अपना ग्लोबल इनिशिएटिव्स में न्यूक्लियर सेफ्टी के जो मेजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए अपना एक परसेप्शन किस तरीके से इंप्रूव करना है, ये तमाम चीजें आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है जी। एनर्जी एंड इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स की अगर बात की जाए, एक्सपेंडिंग सिविलियन न्यूक्लियर कैपेसिटी, पाकिस्तान विल नीड टू ओवरकम फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस टू एक्सपेंड इट्स सिविलियन न्यूक्लियर कैपेसिटी पर्टिकुलरली एज पार्ट ऑफ इट्स ब्रॉडर एफर्ट्स टू एड्रेस एनर्जी शॉर्टेजेस। पाकिस्तान को अपनी जो सिविलियन न्यूक्लियर कैपेसिटी है, ठीक है जी, फाइनेंशियल और टेक्निकल चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इसे लाजमी बढ़ाना है ताकि एक इसकी जो ब्रॉडर एफर्ट्स हैं एनर्जी शॉर्टेजेस वगैरह की वो कम हो सके। बैलेंसिंग सिविलियन एंड मिलिट्री न्यूक्लियर ऑब्जेक्ट्स, मैनेजिंग द बैलेंस बिटवीन सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी नीड्स एंड द मिलिट्री स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स विल बी एसेंशियल पाकिस्तान न्यूक्लियर पॉलिसी। मीन्स इस चीज को बैलेंस रखना और ये चीज इंटरनेशनली भी रियश्योर कराने की पाकिस्तान जो है वो इन न्यूक्लियर पार्ट्स को जो है वो अपनी सिविलियन एनर्जी की नीड के तौर पे ओनली पीसफुल पर्पजेस में अपनी जस्ट एक डेवलपमेंट और प्रोग्रेस अपने फाइनेंशियल टेक्निकल चैलेंजेस को पूरा करने के लिए कर रहा है, ना कि अपने मिलिट्री स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स के लिए। और दोनों के दरमियान बैलेंस रखना कि मिलिट्री के लिए भी जरूरी है और जो सिविलियन एनर्जी है उसके लिए भी जरूरी है, तो इस चीज को बैलेंस रखना एक जो है वो बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक कॉन्स्टेंट के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ पे कंक्लूजन की तरफ अगर हम आ जाए, पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ इट्स नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी प्रोवाइडिंग डेटरेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स व्हाइल आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स एनर्जी नीड्स थ्रू आवर सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। हाउएवर कंसर्न्स ओवर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशंस रिमेन सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। पाकिस्तान की कोशिश तो ये है कि वो अपने इस जो एक वाइटल कंपोनेंट उसके पास ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए अपनी स्ट्रेटेजीज को बिल्डअप करने के लिए यूज करें और अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करें सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के थ्रू, लेकिन कंसर्न्स जो सिक्योरिटी के हैं इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्लिगेशंस के हैं वो भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है और पाकिस्तान को उनके ऊपर बहुत ज्यादा उनका उन तमाम एनपीटी एफएमसीटीज वगैरह का पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर है और पाकिस्तान को इस मिलिट्री और सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी को जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स है इनको बैलेंस रखना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
Pakistan has made substantial progress in enhancing the safety and security of its nuclear arsenal, but it continues to face international scrutiny, particularly regarding refusal to join global non-proliferation treaties. पाकिस्तान को काफी ज्यादा स्क्रूटनी वगैरह का सामना भी करना पड़ रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसने इन जो ग्लोबल ट्रीटीज हैं उन्हें साइन करने से इनकार किया है। ठीक है जी, अब पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है कब ये स्टार्ट हुआ, कब एस्टेब्लिश हुआ, पाकिस्तान इसे कहाँ पर यूज कर रहा है, लेकिन कहाँ से उसको थ्रेट्स दी है और कौन सी ट्रीटीज ऐसी हैं जिन्हें पाकिस्तान ने साइन करने से इनकार किया और किन रीजंस की वजह से इनकार किया, ये तमाम चीजें भी ऊपर डिस्कस हो गई। आप इसको इन तमाम पॉइंट्स को अपने पास नोट डाउन करके अपने ब्रीफिंग नोट्स हम बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।